पता होगा, मतलब मराठी समाज में ऐसा होता है कि मम्मी जाने के बाद मतलब एक तिथि होती है जहां पर हमें एक लेडीज को उसका मतलब जो होता है 16 सिंगा, कैसे आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे रहा हूँ, मुझे जरूर बताना। सो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा और हैप्पी विजयादशमी। आई नो त्योहार भी चुका होगा, ये जस्ट ब्लॉग है दशहरा का, तो इसलिए मैंने आज का ब्लॉग शूट करना जरूरी समझा। एक्चुअली मेरे लुक पे मैं जाना, क्योंकि अभी मुझे नहाना भी है, जस्ट सोके उठा हूँ और वहाँ पर देख सकते हो, तो मैंने वहाँ पर क्या बोलते हैं उसे, मतलब दाल गलने के लिए रख दीजिए, क्योंकि आज खाना बनाना है कुछ अच्छा सा, स्वीट भी बनाने वाला हो, तो स्वीट पे क्या बनाने वाला हो वो वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। तो आज के डेली रूटीन का ब्लॉग होने वाला है, तो अभी सुबह की बजे में भी छे, तो उसी साथ बहुत कुछ काम करना है, बहुत कुछ ऐसी प्रिपरेशन है जो आपको दिखा नहीं है, तो उसी के साथ साथ मुझे मार्केट भी जाना है। और तुम आना चाहोगे? डरता है, बहुत डरता है। एनीवेज सो गाइस, अभी मुझे नहाना भी है, बहुत कुछ काम करना है। सो चलिए, अभी पहले मैं सब कुछ काम वगैरह निपटा के आपको बीच बीच में सारे शूट दिखाऊंगा और पूजा भी दिखाऊंगा कि मैंने आज की पूजा कैसे की है। सो वीडियो जरूर कंटिन्यूसली आप वॉच करते रहना है, और पसंद आए तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो चलिए शुरू कर लेते। सो गाइस, मैं अभी जस्ट नहा के रेडी हो गया हूँ, और अभी मुझे बहुत काम करने है अभी भी, और मार्केट गया था तो मार्केट से कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, मतलब फोन वगैरह, और साथ में यहाँ पर भी कुछ और चीज़ें हैं, तो ये इसका मुझे हार बनाना है, तो पहले मैं हार बना लेता हूँ। सो गाइस, फाइनली पूजा हो गई, और पूजा मतलब जस्ट खाना बना रहा हूँ, पूजा भी आपको दिखाऊंगा मैंने कैसी की कैसे नहीं, और अभी बहुत धुआं हो रहा है तो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट पूजा मैंने बहुत अच्छे से की है, तो मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ कि मैंने पूजा कैसे की है। कसली परीक्षा है? पर मैंने ना लैपटॉप की पूजा वगैरह की है, क्योंकि आज के दिन मोबाइल की भी पूजा की जाती है, तो जो भी इक्विपमेंट है मेरे पास, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है, और भी मुझे पूजा करनी थी, बट अभी बस यही पूजा की मैंने, और ये है हमारी भगवान की पूजा, तो ये भगवान मेरे हमेशा के लिए होते हैं, तो इस तरीके से मैंने ये पूजा की है। एक्चुअली खाना हो गया मेरा और अभी मैं जस्ट शूट करने बैठा था, तो सोचा चलो आपको दिखा दूँ। ये मैं दाल भी बनाई है, उसी के साथ साथ इसमें राइस है, और ये कुछ चने की सब्जी थी, और यहाँ पर है श्रीखंड, तो इस तरीके से था खाना। सो गाइज, वेल इस तरीके से हुआ मेरा दशहरा सेलिब्रेट, और अभी रात के बजे है 9, और कल सुबह मुझे 4 बजे उठना भी है, और बहुत कुछ कपड़े इस्त्री वगैरह, बहुत सुबह भी बहुत काम रहते हैं। अभी जस्ट एक्चुअली आपको पता होगा, मतलब मराठी समाज में ऐसा होता है कि मम्मी जाने के बाद मतलब एक तिथि होती है जहाँ पर हमें एक लेडीज को उसका मतलब जो होता है 16 सिंगा, उनमें से कुछ चीज़ें दान करनी पड़ती है, फिर उसे भेंट वस्तु के तौर पर देनी पड़ती है। तो अभी अभी जस्ट मैंने एक औरत को यहाँ पर खाना खिलाया, अभी भी आप देख सकते हो उसकी बॉटल यहाँ पर है, तो अभी अभी मतलब उनके सामने भी वीडियो बनाना ठीक नहीं लगा मुझे, इस वजह से मैंने वो वीडियो नहीं बनाया, बट आज अभी मैंने उसको उनको खाना वगैरह खिलाया, उनको जो ओटी होती है, जो मतलब एक होता है एक मान, जो एक लेडीज का सौभाग्यवती का जो मान होता है वो दे दिया। एक्चुअली जेंट्स होके ये सारी चीजें करना मतलब एक औरत के लिए बहुत अलग बात होती है, आप समझ सकते हो, बट फिर भी उन लोगों उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस बात के लिए, सो ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी हुई। वेल गाइस, फिर से अगेन आपको हैप्पी दशहरा। आई नो दशहरा बीत चुका होगा, और ये वीडियो भी मुझे नहीं पता आपको कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, मैं जल्द से जल्द आपको ये वीडियो देने की कोशिश करूंगा, और जब मिलेगी आपको तो मुझे जरूर बताना कि ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जो दशहरा स्पेशल था, मैंने पूरे दिन का रूटीन आपको बताया। गाइज, जब भी मैं ब्लॉग शूट करता हूँ ना, रैंडमली वैसे मैं कभी अगर मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ, तो नॉर्मली वहाँ पर ज़्यादा कुछ मतलब जल्दबाजी नहीं होती है,
बट जब व्लॉग शूट करने की बारी आती है वहां पर आपको पूरा दिन का रूटीन दिखाना, वो भी काम में आपको वो सारी चीजें दिखाना, ये काफी मुश्किल होता है। तो गाइस प्लीज उस बात के लिए तो जरूर लाइक कर देना और मुझे बताना ये आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो गाइज यस, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम का आईडी नेम शू डॉट अर्नव। सो गाइज मिलते हैं फिर से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो एंड व्लॉग के साथ। तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। सो बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।